नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सहायता के लिए सरकार की ओर से एक नई मुहिम चलाई गई है। आपको बता दें कि कमजोर वर्ग के लोगों की सहायता के लिए पोस्ट ऑफिस में जीरो बैलेंस पर खाते खोले जाएंगे। इस विषय में अधिक जानकारी देते हुए अम्बाला कैंट GPO के पोस्ट मास्टर ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सहायता के लिए अब पोस्ट ऑफिस में जीरो बैलेंस पर खाते खोले जाएंगे। राज्य सरकार की ओर से क्षेत्र के आधार पर पोस्ट ऑफिस में लिस्ट भी भेजी गई है, जिनको फोन कर पोस्ट ऑफिस में खाता खोलने के लिए बुलाया जा रहा है। इसके बाद उनके जीरो बैलेंस पर खाते खोले जा रहे हैं। खाता खुलने के बाद इनके खातों में सरकार की ओर से प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत योजना का लाभ दिया जाएगा। इस बारे में बताते हुए अम्बाला कैंट GPO के पोस्ट मास्टर हरीश ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से उनके पास लिस्ट प्राप्त हुई है। अभी उनके पास करीब 7,000 लोगों की लिस्ट प्राप्त हुई है, जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उनके जीरो बैलेंस पर खाते खोले जाने का कार्य जारी है। अभी तक 2,000 के करीब लोगों के खाते खोले जा चुके हैं। ये प्रक्रिया पूरी माह जारी रहेगी। इस दौरान खाता खुलवाने के लिए व्यक्ति को परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। वहीं लोगों को बुलाने के लिए पोस्टमैन की ड्यूटी लगाई गई है। अम्बाला से हमारे विशेष संवाददाता सुरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। हाँ, EWS में आज अब जो नया राज्य सरकार की तरफ से हमारे को लिस्ट प्राप्त हुई है, सूची प्राप्त हुई है, जिसमें आर्थिक रूप से जो लोग कमजोर हैं उनके लिए जीरो से बेसिक अकाउंट से हम अकाउंट खोलेंगे और उस अकाउंट में सरकार द्वारा प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत राशि डाली जाएगी जो उनके उपयोग में यूज की जाएगी। अब हमारे पास राज्य सरकार से 7,000 की लिस्ट आई है, जिसमें हम दैनिक रूप से अपने पोस्टमैन के द्वारा उनको कॉल फॉर कराते हैं, जो उनका मोबाइल नंबर उसमें दिया गया है, तो उस मोबाइल के मुताबिक जितने आ जाएं और डेली के डेली हमारे पास अकाउंट खोले जा रहे हैं। ये जो अभी 7,000 अम्बाला के हैं, सिर्फ जो हमारे GPO के साथ अटैच एरिया है उस एरिया के तहत जितने आए हैं ये उनकी लिस्ट है। इस समय 1500 से 2000 तक के बीच हमारे पास आ चुके हैं जिनके अकाउंट खुल चुके हैं। ये प्रक्रिया को शुरू है अभी 1 जुलाई से शुरू करी है हमने। ये इस मंथ तक जारी रहेगी, पूरा जुलाई का है। वैसे हमने 20 का थोड़ा सा टारगेट रखा कि इस तक हम कंप्लीट करें जितने भी आ जाएं, उसके बाद फिर अदर देखेंगे। डॉक्यूमेंट्स जो है वो चाहिए। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स के लिए मेन उनकी फैमिली आईडी प्लस अपना आधार कार्ड फोटो साथ लेकर आते हैं तो उसका अकाउंट खुल जाता है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।